हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 23 ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 आज डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन मॉनसून को, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी इंडियन मॉनसून के, मीन्स हमारे कितने बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे इफ़ेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून को। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक के कंसेप्ट को लेते हैं, ठीक है। एक के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। और यार इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। इसमें मैं आपको, हम लोग फोकस करेंगे ITCZ पे, ठीक है। और ITCZ का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने डिस्कस किया था आपके सामने ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, वहाँ पर भी ITCZ को डिस्कस किया था। और आज फिर से मैं थोड़ा सा ITCZ को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि वो इंडियन मॉनसून के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। और ये जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, ये जो आगे मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो वहाँ पे भी काम आएंगी। ये इंडियन मॉनसून जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा लंबा जाएगा। मैं आज पार्ट टू को डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें अप्रोक्स पार्ट टू थ्री फोर और फाइव, लगभग मैं इसके 5 पार्ट अपलोड करूँगा तब जाके ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसका एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप, एंड इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा लैंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब हमारा लैंड पे हीटिंग होने की वजह से, ठीक है, लैंड एंड वाटर पे, मीन्स हीटिंग का मतलब क्या है यार? हीटिंग का मतलब है सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। सोलर रेडिएशन आने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को समझो, यहाँ पे ये इंडिया है, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा इंडियन ओशियन है, ये वाला पार्ट इधर सारा ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये अरेबियन सी वाला मेरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारा सोलर रेडिएशन आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, हमारा लैंड कंपेयर टू दिस वाटर बॉडी, हमारा लैंड जल्दी तो ठंडा होता है और जल्दी क्या होता है, ये गर्म होता है। लेकिन जो वाटर है, इसके अंदर वाटर है ना, यहाँ पे अवेलेबल जो ये वाटर है, ये देर में तो ठंडा होगा और देर में क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो मैंने लाइन खींची है ये वाली, ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर है, यहाँ पे इंडिया है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो इंडिया वाले पार्ट पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और अरेबियन सी में, मीन्स जहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पे कंपेयर टू दिस, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम रहता है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब विंड का मूवमेंट कैसे होगा, हमारी विंड कैसे मूव करेगी, हमारी विंड मूव करेगी ऐसे, अरेबियन सी से ऐसे मूव करेगी, ठीक है। अब ये अरेबियन सी से मूव नहीं करती, ये ऐसे नीचे से भी आती है, इनकी एक्चुअली डायरेक्शन ऐसे है, इक्वेटर से नीचे से ट्रेडमेंट आ रही है और ऐसे मूव करके ये इंडिया के ऊपर ऐसे मूव कर रही है। तो एक तो फैक्टर ये हो गया कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, ठीक है, इसके हीटअप होने की वजह से ये क्या कर रहा है, विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन इसका ITCZ का होता है, यहाँ पे ITCZ पहुँच जाता है। अभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ITCZ क्या होता है, ये शिफ्ट क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्यों होता है, ये सब कुछ अच्छे से अभी देखेंगे डिटेल में। अभी ये समझो आप, तो जब विंड हमारे यहाँ से इस तरफ जाएगी, ऐसे मूव करेगी, तो वो अकेली तो जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, इस ओशन वाटर से क्या करेगी, मॉइस्चर को उठा लेगी अपने साथ। और जब विंड फ्लो करेगी ना, तो वो मॉइस्चर भी लेके जाएगी, मीन्स यहाँ से मॉइस्ट एयर हमारी क्या करेगी, मूव करेगी। और जब वो इंडिया के ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है, अब वो यहाँ पे क्लाउड बनेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया पे हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स या साउथ वेस्ट मानसून, की हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आ गया, ठीक है। ये फैक्टर आपके समझ में आ रहा है कि इस फैक्टर की वजह से कैसे हमारा मॉनसून आ रहा है। बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से इसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान है, सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम इसको साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं,
जब मैंने आपके सामने डिस्कस किया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विंड की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर आप भूल गए हो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और विंड ऐसी जा रही है ना यार, विंड ऐसी जा रही है हमारी, मीन्स विंड यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इसकी ना इसकी पूँछ पकड़ लो, ये वाला पीछे वाला ऐसा पकड़ना है, जहाँ से ये विंड हमारी निकलती है देखो यहाँ से जा रही है, तो उसको हम वहीं का नाम दे देंगे कि हमारी हो गई विंड, जो हमारी विंड फ्लो करे इसको बोल देंगे हम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट विंड, या हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून आ गया, जब हमारी विंड पहुंच जाती है ये इंडिया में। ये बात समझ में आ गई कि लैंड का और वाटर का क्या क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखो आसान सा तो है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ऐसे विंड फ्लो करने लगती है, ये ऐसे टिल्ट कर जाती है, ऐसे मूव कर जाती है, ठीक है। इसका भी रीज़न है कि ये ऐसे ऐसे ये इंडिया की तरफ ही क्यों मूव कर रही है, ये क्या बोलते हैं इधर से ऐसे इस तरफ को क्यों नहीं भाग रही है, ऐसे भी तो जा सकती है, ये इधर को मुड़ सकती है, या बहुत ज़्यादा मुड़ सकती है, इधर को मूव कर सकती है, इधर को मूव कर सकती है, इन सब के रीज़न है, वो सब हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई, जो मेरा फर्स्ट फैक्टर था कि भाई लैंड और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, जो हमारा कंटिनेंट वाला पार्ट है वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और विंड हमारी ऐसे फ्लो करने लगती है, और इसमें से हमारा यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी और यहाँ पे जाके हमारा प्रेसिपिटेशन कर देगी, यहाँ पे हमारा रेनफॉल देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट हमारा मानसून आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि विंड हमारी मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और यार जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना प्रेशर में, मीन्स ये जितना ज़्यादा लो होगा और ये जितना ज़्यादा हाई होगा, उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग विंड मूव करेगी, उतने स्ट्रॉन्ग उतने तेज़ी से हमारी विंड क्या करेगी, इस तरफ से इस तरफ को फ्लो करेगी, उतनी स्पीड से भागेगी इस तरफ को, तो जितना ज़्यादा इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस है उतनी हमारी स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, मीन्स हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, उतने हमारा स्ट्रॉन्ग मानसून आएगा, ठीक है। और जितना स्ट्रॉन्ग हमारी विंड फ्लो करेगी, ठीक है, जितनी सीधी सी बात है भाई, जितनी विंड यहाँ पे जाके पहुँचेगी, अगर यहाँ पे मीन्स हमारी जो विंड कम पहुँच रही है तो यहाँ पे हमको कम रेनफॉल देखने को मिलेगा, और अगर विंड हमारी इंडिया के ऊपर ज़्यादा पहुँच रही है तो हमको रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि साउथ जो साउथ वेस्ट विंड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी तेज़ी से जाएगी, जितनी हमारी इंडिया के ऊपर पहुँचेगी, उतना ही हमको रेनफॉल क्या मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीर का निशान मीन्स ये दिखा रहा है कि ज़्यादा है, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, और अगर प्रेशर डिफरेंस हमारा ज़्यादा दोनों में, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और ऊपर की तरफ इंडिया की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, तो हमारी विंड बहुत स्पीड से फ्लो करेगी और हमको उतना ही ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर, बहुत आसान सा था कि लैंड और वाटर के बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर कम्प्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर पर, वो है ITCZ का। ITCZ ये इंडियन मॉनसून में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेट करके भी क्वेश्चन दे देगा वो, यहाँ से सेपरेट अलग से क्वेश्चन ही पूछ लेगा, ठीक है। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम पढ़ते थे ना क्लास में लिखा करते थे कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे करके, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। तो मीन्स इसको थोड़ा सीरियसली लेना और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ITCZ की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आज ना इस ITCZ का डर भगाते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सोच लो, बिल्कुल जीरो से बता लूँ इसके बारे में। वैसे मैं बात कर चुका हूँ ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं यहाँ से उसको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ITCZ की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मीन्स जहाँ पे हमारी विंड कन्वर्ज करती है, क्या करती है, जहाँ पे हमारी विंड कन्वर्ज करती है। तो एक्चुअली में जो ITCZ है वो हमारा लो प्रेशर जोन रहता है। अब लो प्रेशर जोन क्यों रहता है जी, क्या रीज़न है, हम क्यों मान लें यहाँ पे लो प्रेशर जोन है और यहाँ पे विंड कन्वर्ज क्यों करती है, ठीक है। तो उन सब का जवाब मिलेगा यहाँ पे हमें। तो आप ये कंसिडर करो कि ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये मैंने 2D डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए ऐसे ही। तो आप ये कंसीडर करो कि ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। अभी आगे मैंने 2-3 डायग्राम और बनाए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये इक्वेटर वाला पार्ट है। अब ये हमारा यहाँ पे सन है, ठीक है। अब मानो आपका सन ना ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ से देखो ये रेडिएशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे क्या होगा,
जब यहाँ पे हमारी सन रेज आके आके मिलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे कैसा जोन क्रिएट हो, कैसा हमारा प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड के बारे में, हमारी ट्रेड विंड्स हमारी मूव कर रही थी, यहाँ पे 30 डिग्री लेटीट्यूड था और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन था, लगभग यहाँ वाले एरिया पे ये था हमारा हाई प्रेशर और यहाँ पे भी था हाई प्रेशर। ये था हमारा ऊपर वाला पार्ट, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारी विंड ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स थी इससे आ रही थी और ऐसे मूव कर रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और सदर्न हेमिस्फीयर से हमारी ऐसी ट्रेड विंड्स हमारी मूव कर रही थी। तो जहाँ पे यार ये दोनों ट्रेड विंड्स आपस में मिले ना, इधर से हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ये ट्रेड विंड आ रही है स्टर्ली, सदर्न हेमिस्फीयर से ये हमारी स्टर्ली आ रही है, देखो आपस में कन्वर्ज कर रही है ना, यहाँ पे ये इस लो प्रेशर जोन पे आपस में मिल रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं जहाँ पे दोनों ट्रेड विंड्स हमारी कन्वर्ज करे, ये वाली और ये वाली, उस जोन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों ट्रेड विंड्स क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे क्यों है और इसकी डायरेक्शन ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों मूव कर रही है, मीन्स हमारी ईस्ट से क्यों आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और सदर्न हेमिस्फीयर से हमारी ईस्ट से ही क्यों आ रही है, ये वेस्ट से क्यों नहीं आ रही, ठीक है, वो सब अभी मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूँगा, वैसे एक बार कर चुका हूँ मैं, फिर से आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये विंड यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी ना, तो कन्वर्ज होने के बाद में ये क्या करेगी, राइज करेगी, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ से बताया ये कन्वर्ज हुई और यहाँ से इन्होंने राइज करना स्टार्ट किया, समझ आ रहा है। तो राइज करेगी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने के बाद में, मीन्स एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद में, अप्रोक्स टॉप पोज के पास जाने के बाद में ये क्या हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, इनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, फिर क्या करेगी ये ऐसे ओरिजेंटली मूव करेगी, देन ये क्या करेंगे सिंक करेगी, और जहाँ पे ये सिंक करती है वहाँ पे क्या कैसे जोन बनता है, वहाँ पे जोन बनता है हमारा हाई प्रेशर जोन, मीन्स ये अप्रोक्स 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा, और ये विंड हमारा हाई प्रेशर से, देखो यही ट्रेड विंड्स हमारी बन के नीचे आ रही है हाई प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे तो लो प्रेशर जोन है, क्यों है यहाँ पे लो प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ पे सन का रेडिएशन आ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अभी एक बार दोबारा से आपको बताऊँगा क्यों हो रहा है, तो आप पहले ये समझो ट्रेड विंड्स यहाँ पे ऐसे मिल रही है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया और यहाँ से विंड क्या करेगी, वार्म होकर राइज करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, देन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगी, देन ऐसे सिंक करेगी और यहाँ पे ये हाई प्रेशर जोन बन रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी ऐसे करके ये विंड हमारी फ्लो कर रही है। सेम ऐसा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, समझ आ रहा है, सेम हमारा ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे विंड राइज कर रही है, देन यहाँ पे पहुँचे हॉरिजॉन्टल मूव करेगी। ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है यार हमने ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में, जब हमने फेरल सेल एंड हेडली सेल एंड पोलर सेल के बारे में पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो लेक्चर को देख लो, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन मैं फिर से दोबारा से आपको बता रहा हूँ अगर आप उस चीज़ को भूल गए हो, ठीक है। तो विंड से मूव करे, देन सिंक करेगी हमारा, ये हमारा फिर से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा और हाई प्रेशर जोन से ऐसे लो प्रेशर की तरफ हमारा एज ए नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड हमारी मूव कर रही है, जहाँ पे दोनों कन्वर्ज कर रही है उस जोन को बोल रहे हैं हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, उसको बोल रहे हैं हम ITCZ, ठीक है। अब ITCZ पे लो प्रेशर जोन क्यों बन रहा है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसका रीज़न ये है, देखो मैंने इस डायग्राम से आपको बताया है कि जैसे ये मेरा यहाँ पे सन है, सन से रेडिएशन जा रहा है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे मेरी ये विंड है, विंड क्या करेगी जब हीटअप हो जाएगी, वार्म एयर मास हो जाएगा, तो जब एयर मास वार्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, अपवर्ड मूव करेगा, अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो अब जब विंड यहाँ से राइज कर गया ना, तो जब विंड राइज करेगा तो इस वाले जोन पे तो हमारा लो प्रेशर जोन बन जाएगा ना, क्योंकि विंड तो ऊपर चला गया राइज करके, तो यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बन गया। तो इसलिए जहाँ पे सन का रेडिएशन आ रहा है ना, वहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और ये कहीं ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे पहुँच जाएगी, इसकी मीन्स ये फिर ट्रोपोपोज के पास जाने के बाद में इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे विंड हमारी अपवर्ड मूव करती है तो उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो और बड़ी होती चली जाती है, ठीक है, उसका साइज बढ़ता है, और जब वो डाउनवर्ड मूव करता है उसमें वो सिंक होती है, मीन्स सिंक होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो ऐसे उसका जो वॉल्यूम है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँच जाएगी विंड तो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी, ऐसे ओरिजेंटल मूव करेगी, देन क्या करेगी, डाउनवर्ड हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगी और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना लेगी। तो ये वाला पार्ट था इक्वेटर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड या 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड वाला पार्ट। तो समझ में आया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैसे मैं आपको बता रहा हूँ ITCZ का, भाई ITCZ एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है, जहाँ पे हमारा सन का रेडिएशन, यहाँ पे सन का रेडिएशन हो रहा है, वहाँ पे विंड हमारी राइज कर रही है, विंड के राइज होने की वजह से वहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन बनता है, और
देखो कैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ये ऐसे जाएगा यहाँ से हमारी, जहाँ पे हमारी स्ट्रेट, जहाँ पे ट्रेडमेंट हमारी कन्वर्ज हो रही है, वहाँ पे एक जोन बनता है, जिस वो जोन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज जोन, ITCZ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम पे फोकस करो यार, ये मेरा इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है। अब आपको पता चलेगा यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्यों क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे मेरी ITCZ है, यहाँ पे क्या है, ITCZ है ये, क्योंकि सन हमारा यहाँ पे है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इक्वेटर का ITCZ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मीन्स ITCZ का मतलब क्या है यार, ITCZ का मतलब है कि यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जोन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन का रेडिएशन आ रहा है, विंड के कारण राइज कर रही है, तो ठीक है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है हमारा इक्वेटर का ITCZ का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ITCZ है इक्वेटर के पास, ठीक है, आइडल कंडीशन में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन है। अब यहाँ से यहाँ पे ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये देखो इधर से विंड फ्लो कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर ये विंड ऐसे मूव क्यों कर रही है, ठीक है, ये विंड स्ट्रेट मूव क्यों नहीं कर रही, ये विंड ऐसे मूव करनी चाहिए ना स्ट्रेट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और ये भी ऐसे मूव करनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो ये स्ट्रेट मूव इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, कोरियोलिस फोर्स, जो हमारी विंड को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में टिल्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डाइवर्ट कर देता है। मैं आपको ये रिजल्ट बता रहा हूँ, डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कोरियोलिस फोर्स को, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में, तो रिजल्ट ये है और यही आपके काम आएगा, ठीक है। क्यों होता है, क्या लगता है, वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, वहाँ से जाकर देख लेना यार। तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड को क्या कर देगा, राइट में विंड डायरेक्शन के राइट में उसको डाइवर्ट कर देगा, टिल्ट कर देगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड डायरेक्शन के उसको लेफ्ट में उसको टिल्ट कर देगा, उसमें डिविएशन देखने को मिलेगा। कैसे, अब देखो मैं नदर्न हेमिस्फीयर में हूँ, विंड ऐसे मूव कर रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में, ये कंडीशन है हमारी जब हमारी अर्थ स्टेबल है, मीन्स वो रोटेट नहीं कर रही है, ये कंडीशन तब होगी जब हमारी स्टेट मूव करेगी, लेकिन हमारी अर्थ तो क्या करती है, रोटेट करती है। तो हमारी विंड ना, ये विंड डायरेक्शन के इसका राइट क्या होगा, इसका राइट यही तो होगा, इस तरफ को ऐसे मूव, ऐसे इसमें डिविएशन देखने को मिल जाएगा, विंड हमारी ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, इसका राइट ही हो गया ना, तो इसलिए हमारी ये ईस्टर्ली बन जाती है यहाँ से, क्योंकि ईस्ट से आ रही है, ये है ना ईस्ट, हमारा ईस्ट से आ रही है। और ऐसे ही अब नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे मूव करना चाहिए, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये लेफ्ट में इसमें डिविएशन देखने को मिलेगा, ये लेफ्ट में मूव हो जाएगी। तो देखो ये इसका डायरेक्शन था, इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट ये है, तो ये भी हमारी ईस्ट से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारी नदर्न हेमिस्फीयर की, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्ली है, और ये हमारी नदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्ली है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेड विंड्स, ये वाली ईस्टर्ली और ये वाली ईस्टर्ली, जहाँ पे आपस में मिले, जहाँ पे आपस में ये कन्वर्ज हो, उसी जोन को बोलते हैं ITCZ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोरियोलिस फोर्स का फंडा समझ में आ गया आपका, कोरियोलिस फोर्स कैसे इनको मूव कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। अभी अभी 2-3 मिनट बाद में फिर से मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को मूव कर रहा है विंड डायरेक्शन के लेफ्ट में, और सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को मूव कर रहा है विंड डायरेक्शन के लेफ्ट में, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड को मूव कर दे रहा है, टिल्ट कर दे रहा है विंड डायरेक्शन के राइट में, ठीक है। ये कंसेप्ट अभी लगेगा, इसलिए मैंने आपके सामने दोबारा से डिस्कस किया, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये हमारी ITCZ है ना, लो प्रेशर जोन है, किसकी वजह से बन रही है हमारी, किसकी वजह से ये हमारा लो प्रेशर जोन बन रहा है, क्योंकि हमारे सन का रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि हमेशा सन हमारे इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा, ऐसा कंडीशन थोड़ी ना कि हमारा सन हमारा मीन्स इक्वेटर के ऊपर ही रहेगा, तो सन तो हमारा मूव करता है, सन मीन्स हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है सन के चारों तरफ, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो सन का रेडिएशन है, कभी वो यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है, मीन्स हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और कभी जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, मीन्स हमारा नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ एंड सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो एक्चुअली में जब हमारा ये सन मूव कर रहा है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सन मूव नहीं करता है लेकिन अर्थ मूव करे, तो इसकी वजह से हमारा सन कहाँ पहुँच जाएगा, जैसे हमारा इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में समर आएगा,
नदन एमिस में समर आएगा, तो हमारा सन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब सन हमारा अप्रोक्स यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वजह से रेडिएशन हमारा यहाँ पे जाएगा, तो ये ITCZ भी ना इसके साथ साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? भाई हमारा सन यहाँ पे तो फिक्स नहीं है ना, सन तो यहाँ से मूव करेगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टेबल रहेगा सन, हमारा सन का रेडिएशन हमेशा इक्वेटर पे पड़ता रहेगा, सन तो मूव करता रहेगा। वो जो हमारा इसमें नदन हेमिस्फीयर में समर होगा तो हमारा सन का रेडिएशन